धार में शिक्षिका के पद पर कार्यरत एक महिला बालिकाओं और जरूरतमंद महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही है। वो अपने वेतन का कुछ हिस्सा महिलाओं को जागरूक करने में लगा रही है। वहीं शिक्षिका अनीता शर्मा ने बताया है कि वो वर्ष 1974 से 75 में ग्वालियर में संभाग स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने गई थी, किंतु वहां पर निजी कारणों के चलते वो प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाई थी, जिसके बाद उन्होंने महिलाओं को निःशुल्क जरूरत की चीजें जैसे सैनिटरी पैड, साबुन आदि का वितरण शुरू किया। शिक्षक ने बताया कि इस सराहनीय काम के लिए जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो मौजूद है धार में एक ऐसी शिक्षिका जो पिछले कई वर्षों से गरीब बालिकाओं और किशोरी बालिकाओं के शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधाओं के पर भी ध्यान दे रही है। महावारी का झोला नाम से एक उन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट बना रखा है। वो पिछले कई वर्षों से किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की सुविधा के लिए वे निःशुल्क वितरण करते हैं। आइए जानते हैं हम ये महावारी के झोले के बारे में, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये महावारी का झोला। मैडम बताएं क्या है महावारी का झोला। हाँ, महावारी का झोले में मैं पैड, सैनिटरी पैड और फिटकरी और साबुन रख कर के मेरी किशोरी बालिकाओं को देती हूँ। क्योंकि ये ख्याल जब मैं खुद किशोरी बालिका थी और मैं एथलीट थी, मैं 9th क्लास में थी, ग्वालियर में मेरा स्टेट था और वहीं से मेरी मानसिकता और मेरा जीवन बदला। क्योंकि मैं जो फर्स्ट आने वाली को मैं बीट करने ही वाली थी और उस दौरान मैं महावारी से थी और मेरा कपड़ा गिर ना जाए इस डर से मैं ट्रैक से बाहर आ गई। बस तभी से मेरे मन में एक भाव उठा कि मैंने जो पीड़ा भोगी है उस पीड़ा को कोई भी मेरी बच्ची ना भोगे, इसके लिए मैं अपने खर्च से जो मुझे वेतन मिलता है उस वेतन में से हर माह मेरी बच्चियां फिक्स हैं, सब बच्चियों को मेरा घर पता है, वो सवेरे या जब उनको समय होता है तब वो मेरे घर आती हैं और मुझे जब समय मिलता है मेरे स्थान फिक्स है, मैं वहां जाकर के मेरी बच्चियों को ये महावारी का झोला वितरित करती हूँ, उनको सैनिटरी पैड्स की जानकारी देती हूँ। चूँकि महावारी सृजन की प्रक्रिया है इसलिए इस टॉपिक पर बात करना जरूरी है और मेरा एक ही नारा है बच्चियों के लिए, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। इस टॉपिक पर सभी बच्चियों में आत्मविश्वास आना चाहिए। आइए हम सब मिलकर के सैनिटरी पैड्स के बारे में बच्चियों को बताएं, उनका आत्मबल बढ़ाएं। ये थे अनीता शर्मा जो पिछले कई वर्षों से किशोरी बालिकाओं के लिए सैनिटरी पैड एवं महावारी का झोले का वितरण का कार्य कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रविंद्र सोलंकी के साथ प्रवीण उज्जैनकर, ACN।